अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुदन व अला जुनूबिही व यतफक्करून फ़ी खल्क़ि समावाति वल अर्द वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामन وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل परवरदिगार इरशाद फरमाया ओ जिन्हां दियां रातां अपने रब दी बारगाह दे अंदर सजदे ते कयाम दी हालत जबीत जांदियां ने फरमाया वाला जुनूबहिम फरमाया रातां नूं करवटां बदलदियां भी अल्लाह अल्लाह करदे रहंदे ने एदा तर्जमा हज़रत पीरे बाहू ने जे फरमाया आ फरमांदे ने राती रती उन्हां नी आवे ते तिने बहुत हैरानी हो इन रब्बक यालम अन्नक तकूम अदना मिना थुलुसै लैलि व निस्फहु व थुलुसहु व ताइफतुन मिन अल्लज़ीन मअक तर्जमा ए बन दराती रती उन्ना नींद नया आवे ते तिने बात हैरानी हूँ आरिफ दी गले आरफ जाने की जवाने नफ्सानी हूँ कर इबादत कुछ कुछ हासल थी भी तेरी जाया गई है जवानी हूँ मैं कुर्बान नाथी बाहो जिना मिले आप पीर जिलानी तो किसे बाबे ने तर्जमा इंज फरमाया फरमा देने लगी वालियां दी अख नहीं लगदी लगी वालियां दी अख नहीं लगदी रफीक तो तारे गिनदा रहो परदेस जिन्हां दे माही गए ओ करमा मारे नहीं सौंदे ते शाजी जिस घर दा मालिक घर ना होवे उस घर दे सारे नहीं सौंदे सानू अल्लाह वाले ने पैगाम ही रातां दे जगराते दा दिता पीरे बाहू फरमाद ने एक जागन जानन ते मियां मुहम्मद बख्श बोले ते फरमाद ने आप इरशाद फरमाद ने के रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदा नू याद सजन दी सुतियां यान जगावे इजाजत होवे ते इक चक्कर मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार दे लगवा लिया मां शहजादुल हसन साहब ने जड़ी ओ तार छेड़ी ना मेरी भी ते तुहाडी भी मैं उसे तार नू ही अगे लैके चलिया हुण चलिए थोड़ा जिहा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहीदी ते हाथ बिल्कुल चुकना मत किधरे को शहीद ही ना हो जाए मैं एक दिन तकरीर कर रहा था मैं आख्या भाई जिन्हें जिन्हें जन्नत च जाना हाथ खड़ा कर लो सारे हाथ खड़े कर ले मेरे सामने एक नौजवान बैठा उन्हें हाथ ही ना खड़े किए मैं आख्या तू जन्नत च नहीं जाना भाई वो कहने लगा सी साहब अम्मी ने आख्या सी पुत्र माफल तो सीधा घर ही आवे है तो कई बेली ऐसे दुखों भी हाथ नहीं खड़े कर दे मैं किधर फौत ही ना हो जावा तो मैंने 24 साल हो गए खिताबत कर दिया इन 24 साल च मैं हिंद सिंध दुनिया इंग्लैंड अमरीका यूरोप सारा मैं फिर के वेख लिया यकीन करो मैं नहीं जो बंदा जो सुबहाना लगन का मरदा वेख्या वधी नूं सत्त ही खैर आउंदियां ने उच्चा जो बोलो सुबहान अल्लाह आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने राती कत्ता
राती कथा ते राती तुम्मा वही राती ताना लामा इक तंद जे कबलड़ी पै गई मते मालिक मोल ना पावा इक तंद जे कबलड़ी पै गई मते मालिक मोल ना पावा ते मियां सा फरमा दे जिन्ना हल सवेले जुते ओ हाली ने पक्के तू ही उठ मोहम्मद बशाओ मत जग तमाशा तके तू ही उठ मोहम्मद बख्शाओ मत जग तमाशा तके अल्लाह ने रिजा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वबतगो इलैही वसीला किधरे इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मास्वादिकी अल्लाह सानू बार बार क्यों कह रहा इन हाथ तक आ जाओ मैं आज तो कुरान विचो शाने विलाय तो सुनानी है उनते मैं हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आखो कि मैं सारी रात ही कुरान पढ़ता रहूंगा पर मैं तो हनु अपने मौजू के मुताबिक सुनाना है अल्लाह सानु बार बार फरमा दे सच्चिया नाल हो जाओ ते वब तगू इलैहिल वसीला अल्लाह तक पहुंचने वास्ते को वसीला ढूंढो बाद लोग कहते हैं कि वसीला इबादत है नमाज नमाज पढ़ के अल्लाह नु ढूंढो अल्लाह फरमाता रोजा रखो तो मैनू वसीले रोजे दे वसीले ना ढूंढो बाद कहते हैं नहीं जी ये वसीला जिहाद है कि जिहाद करो तो रब मिल जाएगा उलमा तशरीफ फरमाने कुरान की आयत की तरतीब देखो अल्लाह ने पहले फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए ईमान वालों आगे फरमाया इत्तकुल्लाह अल्लाह को डर जाओ तकवा इख्तियार कर जाओ मुत्तकी बन जाओ हुण ईमान दे बाद तकवा तकवा का दिन मिल दे पढ़ा कुरान मैं पहले अर्ज की था मैं अपने उनवान दे मुताबिक कुरान दे विचु गल करनी है ताकि आ जेडे अज बेली लोग पैदा हो गए ना जेडे कहंदे ने ए वली ते शाही ही कोई नहीं वो कहंदे ने बाबे शाही कोई नहीं आ मैं तैनू कुरान चो दसा बाबे की शाही ने मैं तेन कुरान चो दसा बाबे की शाह ने कभी तुम भी पूछा करो बाबे नु कहना की शाह तू की शाह पहले वो तो साबित करना तू की शाह आ कुरान च बाबे सुनाइए कुरान जो सुभान अल्लाह फरमाओ भाई सारे अल्लाह ने इरशाद फरमाया यूहन्ना सुबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लदीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ نے فرمایا عبادت کرتے متقی بن جا اے روزے آ رہے ہیں نا روزے پتہ کیوں رکھوا رہے اللہ
अल्लाह फरमाता सिर्फ इस वास्ते लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ। पता लग्या कि रोजा रख के भी बंदा मुत्तकी बन दे, नमाज पढ़ के भी मुत्तकी बन दे, हज करके भी मुत्तकी बन दे, कुर्बानी दे के भी रब मुत्त बंदा चंद बंदा मुत्तकी बन जाता है। उन्हें ये सारिया चीजा ते बना दिया मुत्तकी। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लदीन आमनुत्तकुल्ला, अल्लाह फरमाता जदों ईमान भी आ जाए ते तकवा भी आ जाए, ते तकवा इबादत दे बाद आउंदा है। या अल्लाह हुण जन्नत पक्की? अल्लाह फरमान नहीं, हुण की फरमाया बब तगु इलैहिल वसीला, हुण वसीला ढूंढ। बई जे नमाज रोजा हज जकात ही वसीला होंदी, ओ सारिया चीजा ते तकवे तो पहले सानू कीतियां सन ते तकवा आया सी ना। अल्लाह फरमांदा ईमान भी आ जाए तकवा भी आ जाए, इबादत कर चुके ते अपनी जन्नत जे पक्की ना समझी, क्यों? एक चोर शैतान तेरी राह च बैठा है, वो तेरा ईमान भी लुट सकता है, तेरी नमाज रोजे हज ज़कात तकवे भी लुट सकता है। ते या अल्लाह हुण की करां? अल्लाह फरमांदा वब तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह फरमांदा हुण मेरी बारगाह तक आने वास्ते वसीला ढूंढ। आसान करके अर्ज करा, ए मैं शाह जी को हुण आवन लगा ना, ते मैं अड्डा प्लाट ते जदों उतरिया ते ये सारे नौजवान उत्थे मदर हुसैन साहब और ए बेली उथे खड़े, ये मैंने कह लगे आसिफ साहब असं इतने खड़े हाँ तो कमाल शरीफ असं तो लै जावे क्योंकि तो राह का नहीं पता। मैं क्या यार मैंने वाकई राह का नहीं पता, मैं बड़े साल के बाद आ रहा मैंने राह का नहीं पता। ये कह लगे सानू राह का पता असं लै जावे, पता चलिया वो चाहिए जिन्हों राह का पता हो। अल्लाह फरमाता वह मेरे वाल आने वाले आप ही ना आ जाए किसी उस ना लावे जिन्हों राह का पता, राह का पता समेट के हुण तुहाडी मर्जी दी तकरीर शुरू करा, लै चलना फिर मैं मुहम्मद बख्श दे दरबार उते। शाह जी ते बोलदे नहीं सुभान अल्लाह, ये तेरा साल विच कम खराब हो गया जी। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह, बे मुर्शद नाल मैं कदे बोलिया नहीं, जिदा मुर्शद अली है ओ बोले सुभान अल्लाह। आरफे करी रहमतुल्लाह ने फरमा देना राउद 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 हर कोई आखे तिन मुर्शिद तेनो राह नहीं लबना, बिरुल मरसे बिच दादे तिन मुर्शिद तेनो राह नहीं लबना, बिरुल मरसे बिन मुर्शिद तेनो राह नहीं लबना, ए रुल मरसे तेरा दे। अल्लाह परमादा किसे उस ना लावे जिन्हों राह दा पता है। राह दे राह दे हर कोई आखे, मैं भी आखा राह दे भाई राह दे, पर बिन मुर्शिद तेनो राह नहीं लभना, रल मरसे बिच राह दे। एक कुत्ते नु गल समझ आ गई, कुत्ते नु गल समझ आ गई, ओ बलियां दे नाल टुरिया। हजरत ईसा अलैहि सलाम दे दौर दे वली सन, नौजवान सन ते गरीब नहीं सन, अमीरां ते वजीरां दे पुत्र सन। अल्लाह दे नबी ईसा अलैहि सलाम दा कलमा पढ़िया ते वक्त दा बादशाह दकिया नूस उन्हां लोगां नु कतल कर दिंदा जिहड़े हजरत ईसा दा कलमा पढ़दे ने। अल्लाह ने उन्होंने नौजवानों मकामे विलायत अता किया, नौजवान और रातों रात निकले किधरे बादशाह गिरफ्तार करके कत्ल न कर देवे। एक छोटा जा कुत्ता मुफस्सिरीन फरमांदे ने सुरख रंग दा कुत्ता उन्हां वलियां दे पिछे टुरिया, ते वलियां धुतकार के आख्या तू कुत्ता है, भौंकेगा को पुलिस वाला उठ जाएगा, गिरफ्तार हो गए ते असां सूली चढ़ जाना ते तेरा जाना कुछ नहीं। ते कुत्ता वलियां नूं बोल के कहन लगा कि मैं वो कुत्ता नहीं जिहड़ा वलियां नूं भौंकदा है।
कुत्ता बोल के कहन लगा ना मैं पौंका ते ना मैं टोंका ते ना मैं शोर मचावा और निस्बत पाका लोका कित मैं बख्श आ जावा। अच्छा जी, अच्छा जी, लो जी शाह जी ने पुराना रिदम लैके आओ भाई। 13 साल में बड़ा कुछ बदल गया ते यकीनन और रिदम भी बदल गया। ओ मैं है वे लो शाह जी फिर ले आने आ कुत्ता जाके ना ते वलिया दी गार दे बार बैठ गया। वली अंदर सो गया ते कुत्ता बाहर सो गया। हुन कुत्ता कदे बैठा सुबह वेख्या जे जदों कुत्ता बैठदा तो दी आदत होंदी है वो अपने बाजू भी अगे कर लैंदा ते पांव भी अगे कर लैंदा। अल्लाह ने कुरान च ना उस कुत्ते दे बैठन दा अंदाज भी ओही फरमाया। फरमाया वकलबुहुम बासितुन ज़िराईही बिलवसीद। फरमाया उन्हां दा कुत्ता उन्हां दे बूहे ते हाथ फैला के दामन फैला के बैठ गया। शाह जी ओ कुत्ते दस्या कि जदों वलियां दे बूहे आईए ना ते आकड़ के नहीं आईदा। कुरान चो दे बैठन दा अंदाज ही अल्लाह ने फरमाया वकलबुहुम बासितुन ज़िराईही बिलवसीद। फरमाया उन्हां दा कुत्ता उन्हां दे बूहे ते दामन फैला के बैठ गया। हुन वली 309 साल सुते रहे। किन्ने? 309 साल कुत्ता बाहर सुता रहा। 6 महीने बाद फरिश्ते आके ते वलियां दी करवट बदल जांदे ने किधरे वली थक ना जावण। ते फरिश्ते जदों वलियां दी करवट बदल के टुरदे ने ते जांदे जांदे कुत्ते दी करवट भी बदल जांदे ने। इमाम गिजाली रहमतुल्ला अलैह ने जिहड़े 6 जानवरां दा जिक्र फरमाया कि जन्नत च जाने ने, हालांकि जानवर जन्नत च नहीं जाने, मिट्टी बना दिते जावणगे। ते काफिर जदों वेखणगे ना कि जानवर मिट्टी बन गए ते उह कहण लगे या लई तां नहीं खुंत तो राबा काश असीं वी अज मिट्टी हो जांदे। जानवरां नूं मिट्टी बना दिता जाएगा, ना जन्नत च जावणगे ते ना दोज़ख च जावणगे। मगर 6 जानवर इमाम गजाली ने फरमाया, दीगर उलमा ने होर भी जानवर गिने, एक जन्नत च जाणगे। उन जानवरों च इस कुत्ते का भी जिक्र है कि कुत्ता भी जन्नत च जाएगा। क्यों? जात दा कुत्ता ते जावे जन्नत च। आसान करके अर्ज करा, फैसलाबाद के एक साढ़े बहुत बड़े खतीब गुजरे ने हजरत अलामा पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह। आ फरमाते मैं एक दिन ट्रेन च सफर कर रहा ते मैं टिकट लेना भूल गया। आ फरमाते जब ट्रेन चली ना ते टिकट चेक करना आया ते मैंने ख्याल आया मैं ते टिकट लेना भूल गया, या तो मैं गिरफ्तार करेगा तो या अगले स्टेशन से उतार देगा तो या 11 गुना जुर्माना लवेगा। आ फरमाते ने मैं घबरा के इस तरह करके ट्रेन के डब्बे झाती मारी ना तो उस सामने सीट से एक बड़ा सोहना जहा बाबा बैठा। बाबा कौन है? ताजदारे चूरा शरीफ बर्रे सगीर दिया 72 गदियां दा पीर, मेरे हजूर शेख कामिल ताजदारे चूरा शरीफ दे दादा जान हजरत कुतबुल आलमीन हजरत बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह बैठे ते नाल आप दा खादिम बैठा। चेक करा के कहंदा मौलवी जी टिकट ते आप इशारा करके फरमांदे ने मैं औना नाल आ मैं। अच्छा जेड़ा है इशारा करके आखे ना मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਚੈਕਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਿਕਟ ਬੰਦੇ ਆਪ 2 ਸਾਂ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਆਪਨੇ 3 ਚੱਕਰ ਆਈਆਂ। ਚੈਕਰ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਇਫਤਿਖਾਰੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੈਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ 3 ਕਿਉਂ ਚੱਕਰ ਆਈਆਂ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। नौजवान जी कयामत दा मंजर होवेगा जिवें असी कमाल शरीफ इकट्ठे होके आया इंज असा इकट्ठे होके जन्नत वाले जाना है ते फरिश्तियां ने देखना कुत्ता भी जन्नत वाले जावेगा। फरिश्ते कहणगे जात दिया कुत्तिया जन्नत वाल किधर आ रहे हैं? कुत्ता बलियां वाली इशारा करके आखेगा हट जाओ मैं उन्हां नाल मैं उन्हां नाल आ ते जड़ा हो ही उन्हां नाल जाए हो ही उन्हां नाल जाए। अल्लाह दा कुरान च फादा है अन्नबीयो अल्लाह फरमांदा जड़ा उन्हां नाल आ जाए यौम ला युखजिल्लाहु नबिय्य वल्लदीन आमनू माहु। अल्लाह फरमांदा उन्हों का दे खौफ ने जड़ा हो ही इन्हां नाल जाए हो ही इन्हां नाल जाए। इजाजत दियो ते फिर पीरे बाहू दे दरबार दा चक्कर लगवा लिया हो
और उचा बोलो सुभान अल्लाह। जिदी मां अल्लड़ बल्लड़ बावे दी लोरी ते पाले चुप रवे ते जिदी मां दरूद दिया लोरियां ते पाले ओ बोले सुभान अल्लाह। आरफान दे सुल्तान ने फरमाया नाल को संगी इस संग ना करिए तरबूज नहीं दे पावे तोड़ मके जाइए कवा दे पुत्र कद हंस नहीं दे पावे मोतियां चोगे चुदाइए नहीं थी दे बाहो पावे सामना खंड पाए।